हेलो फ्रेंड्स, मैं सबिता। स्वागत है आपका ग्रीन गार्डन गुजरात में। दोस्तों, तो आज मैं आपके साथ में ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, जो हमारे गार्डन में मोस्टली ही रहती है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको सही करना। तो आज मैं वही सॉल्यूशन आपके साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि ये साल में दो बार तो ज़रूर ही ये प्रॉब्लम आती है और वैसे तो मोस्टली ये साल भर रहती है प्रॉब्लम, लेकिन दो बार जो है ये मोस्टली मतलब रहती ही एक विंटर स्टार्टिंग में, एक विंटर जाने पर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शेयर करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या सॉल्यूशन है। तो चलिए मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ और मेरे प्लांट जो हैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ में वही शेयर करूंगी और जो शेयर करूंगी आपके साथ में ज़रूर आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, तो आप ये देख सकते हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। जो वाइट कलर के, और ये देख सकते हैं आप, आपको दिख रहा हो तो ये वाइट कलर के जो एफिड्स वगैरह लगे हुए हैं, ब्लैक भी हैं, वाइट भी हैं, और ये जो मेरे हिबिस्कस में सब में ही हैं, हिबिस्कस की जगह पर जो है इनमें मैरीगोल्ड में भी लग चुके हुए हैं फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके साथ में वही शेयर करूंगी और इनको किस तरीके से रिमूव करना है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से करना है। तो ये जो है, ये है बकेट, आपको दिख रहा होगा ये बकेट है, और बकेट में मैं जो है ये यूज़ करने वाली हूँ मिली बक्स के लिए। ये वाला इसकी मैं ड्रॉप डालूँगी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालूंगी फ्रेंड्स, और थोड़ा सा नीम ऑयल डालूंगी। ये नीम ऑयल भी अच्छा होता है, तो नीम ऑयल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखूंगी। अपने हिसाब से फ्रेंड्स यूज़ करें, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़ा कम ही यूज़ करें, और अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा। और ये है सीवीड है लिक्विड फॉर्म में, बायो एंजाइम है, तो मतलब सॉरी बायो ऑर्गेनिक मैन्योर है, तो इसको भी मैं डालूंगी थोड़ा सा। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लूंगी, और पटाखों की आवाज़ आ रही होगी फ्रेंड्स, उसको आप इग्नोर करिएगा। अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है फ्रेंड्स हमने इसको, और ये ही मैंने इसमें भी ये स्प्रे बॉटल में भी भर के रखा हुआ है, यही लिक्विड मैंने स्प्रे बॉटल में भर के रखा हुआ है। तो इसको अब मैं स्प्रे करूंगी, और स्प्रे करने का फ्रेंड्स जो है एक प्रॉपर वे होता है जिस तरीके से आपको स्प्रे करना है। अगर आप किसी भी प्लांट में स्प्रे कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो उसको अच्छी तरीके से नहला दें, जैसे कि ऐसे पकड़ें और इस तरीके से आपको स्प्रे करना है, पूरा अच्छी तरीके से भीग जाने चाहिए आपके प्लांट। इसी तरीके से आपको सभी प्लांट्स में स्प्रे करना है, जिससे कि प्लांट्स में अच्छे से, और ये जो ऑर्गेनिक मैन्योर है फ्रेंड्स, इससे आपके प्लांट्स जो है हेल्दी और ग्रीन रहेंगे। इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है, क्योंकि अभी मेरे प्लांट्स जो हैं थोड़े उनको मतलब जो है थोड़ी सी इनकी ज़रूरत हो गई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो इसलिए मैंने इनमें डाला है। और ये देख सकते हैं आप, ये वर्बीना परेनियल वर्बीना है फ्रेंड्स। तो ये जो है ये सूखने लगा है, इसको पॉट छोटा पड़ रहा है, तो इसको बड़ा पॉट दूंगी फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से सब में आपको कर देना है, और मैं बताती हूँ। और जो होते हैं कई तरीके के एफिड अटैक्स होते हैं, अगर आपके गार्डन में जो है चींटियों का अटैक हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपके प्लांट्स जो है ख़राब होने वाले हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर आपके पास में ऐसे कोई भी मतलब ऐसे कोई भी आपके पास में नीम ऑयल वगैरह नहीं है, तो आप जो है शैम्पू होते हैं, शैम्पू को आप बकेट में डाल के, पानी में डाल के, और
स्प्रे बॉटल भी नहीं है तो आप मक्की सहायता से ऐसे हाथ करके और ऐसे ऐसे पानी स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ईजी होता है। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो डिशवॉश बार होता है, उसको कम क्वांटिटी कम लें फ्रेंड्स, लेकिन आप उसको भी आप यूज कर सकते हैं। और जो है बस खाली जो वॉशिंग पाउडर होता है उसे नहीं यूज करना है फ्रेंड्स, उससे हमारे प्लांट जो हैं वो पूरे ख़राब हो जाएंगे। तो आप जो है जो कम जो हल्के होते हैं उस टाइप के जैसे शैम्पू वगैरह हैं, आपके पास कोई भी शैम्पू हो, बेबी शैम्पू हो, वो भी आप यूज कर सकते हैं। बेबी के जो बच्चों के जो शैम्पू होते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पास में हल्दी पाउडर है वो आप यूज कर सकते हैं, इन पे स्प्रिंकल कर सकते हैं, या आपके पास में सिनेमन पाउडर है वो भी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। कई सारे जो घरेलू नुस्खे हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास में नीम ऑयल वगैरह अवेलेबल है इसलिए मैं डाल रही हूँ। अगर पहले मैं जब नहीं करती थी, मतलब YouTube पर नहीं थी, तो मैं यही घरेलू नुस्खे अपनाती थी, उससे भी मेरे प्लांट्स काफ़ी हेल्दी रहते थे। तो फ्रेंड्स आपके पास अगर ये चीज़ें, हमारे बहुत सारे जो गार्डनिंग लवर्स हैं उनके पास में ये सब प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होते हैं फ्रेंड्स, तो वो जो है घरेलू चीज़ें जो हमारे किचन में अवेलेबल होती हैं उनसे भी आप बहुत अच्छे से गार्डनिंग कर सकते हैं उनकी हेल्प से, वो भी हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो इसी तरीके से आप इनकी देखरेख करें। और जो मिली बग्स वगैरह होते हैं अगर हमारे प्लांट्स में एक बार लग जाते हैं तो जल्दी से जाते नहीं हैं, प्लांट्स को पूरा डैमेज कर देते हैं। इसलिए अगर आप थोड़ा भी देखें कि कहीं पर भी मिली बग्स का अटैक है या चींटियों का अटैक है तो वहां पर आप हल्दी पाउडर या सिनेमन पाउडर या आपके पास में ऐसे लिक्विड प्रोडक्ट अवेलेबल हो तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। और जितना जल्दी हो उनको आप रिमूव करें। आप चाहें अगर आपके पास में थोड़े से प्लांट हैं तो आप जो है एक कॉटन का कपड़ा लेकर और ये लिक्विड डिशवॉश लेकर या लिक्विड शैम्पू जो करके डिप करके और उस कपड़े की मदद से आप लीव्स को साफ कर सकते हैं। जो बड़े लीव्स वाले प्लांट हैं उनको अच्छी तरीके से रिमूव कर सकते हैं, बशर्ते जो है जिस जगह से हमारे जैसे इंडोर प्लांट होते हैं जहाँ से पफ निकलते हैं वहाँ का एरिया बहुत ही आराम से क्लीन करना है, बाकी एकदम अच्छे से साफ़ हो जाएगा और आपकी ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी फ्रेंड्स। तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।